हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं निज़ामी मटन मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। निज़ामी मटन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन ले लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 छोटा चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम दही डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा मसाला तैयार कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। अब हम इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। 1 इंच के अदरक के टुकड़े को इस तरह से लंबा काट लिया है, ये डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बादाम ली है, ये भी डाल देंगे। 5 यहाँ पर काजू लिए हैं, ये भी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया था, ये डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे। ये देखिए, हमने मसालों को पीस कर इसका एक पेस्ट बना दिया है। ये देखिए, अब इसको साइड में रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें 1 कप तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालेंगे। हमने जो मटन मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देंगे। मटन को हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भून लेंगे। मटन को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो काजू बादाम और फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। मिक्स कर ले अच्छे से। गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर ले। जार में अभी भी थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब हम ये पानी इस मटन में डाल देंगे। दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर मटन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। एक बार चला ले अच्छे से। अब गैस की फ्लेम को लो कर दे और लो फ्लेम पर मटन को ढककर 30 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक मटन गल नहीं जाता तब तक पका लेंगे। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। मटन को लो फ्लेम पर पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, मटन अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे।
आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स कर ले अच्छे से। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए तैयार है निज़ामी मटन मसाला। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।